गुजरात में इस बार का चुनाव पहले के हुए चुनाव से बिल्कुल भिन्न है, और उसका कारण यही है कि केंद्र सरकार में जिस प्रकार से दृढ़तापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है और जिस प्रकार से गुजरात में डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, लोगों का एक पक्षीय रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। मुझे भरूच, बड़ोदरा, सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट और उसके बाद मुझे यहाँ पर मैं 3 दिन से हूँ, जामनगर में आने का अवसर मिला। जामनगर में भी कई सभाओं को करने का मुझे टाइम मिला और बड़ी भारी संख्या में लोग सभाओं में आए। उसका मुख्य कारण यही है कि चारों तरफ जो विकास के काम हैं वो तेज़ी से हो रहे हैं। जामनगर में बड़ा तेज़ी के साथ में एक बहुत बड़ा पुल 193 करोड़ से ऊपर का इंदिरा मार्ग पर बन रहा है। 2-3 पुल और पहले बन चुके हैं। तालाबों का सौंदर्यीकरण का है, पानी जल प्रबंधन की योजना का है, और ऐसे तमाम काम हैं जो सरकार के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी कि हमारी ब्रास इंडस्ट्री ठीक से आगे चल सके, साड़ी का उद्योग में सहायता मिल सके, इसके लिए सरकार की जो सकारात्मक नीतियां हैं उसका परिणाम चुनाव में देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस है नेतृत्व विहीन दिखाई पड़ रही है, आम आदमी हल्ला पार्टी के रूप में शोर मचाती हुई कहीं आती है और फिर भाग जाती है। तो इसमें भाजपा के सामने एक तरीके से पूरा विपक्ष ने मैदान छोड़ रखा है, और बीजेपी का कार्यकर्ता केवल 2022 के लिए नहीं बल्कि गुजरात की प्रचंड बहुमत से विजय 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव जैसे लग रहा है कि वो लड़ रही है। और इस चुनाव में मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी का जो वर्चस्व है पहले से ज़्यादा बढ़ेगा और पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा जो मोदी जी ने सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड कायम किया है। मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी जीत जीतेगी, और कांग्रेस गुजरात में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बुरी हार हारने जा रही है, और आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अपनी जमानत जब्त कराने का जो उसने एक रिकॉर्ड कायम किया था विधानसभा चुनाव में पिछले, मैं समझता हूँ गुजरात में वो अपने रिकॉर्ड को जमानत जब्त कराने का वो इस बार तोड़ेगी, और इसके बाद अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर प्रांतीय काफ़ी भारी संख्या में हैं, हिंदी भाषी भी काफ़ी संख्या में हैं, और मुझे अच्छा लगा कि गुजरात के लोगों का और अन्य भाषा भाषी लोगों का बहुत बेहतर तालमेल जामनगर में देखने को मिला है, और एक रूप होके वो लोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। मुझे न केवल 3-4 सभाओं को करने का अवसर मिला है 2 दिन में बल्कि कई कई वार्डों को भी हम गए हैं वार्ड्स में, और ग्रुप मीटिंग्स को करने का भी, जनसंपर्क करने का भी अवसर मुझे मिला है, और उसमें कार्यकर्ताओं का, पब्लिक का बहुत अच्छा फेवरेबल एटीट्यूड देखने को मिला है।